Mahendra Singh Dhoni's powers on the way in, or is he still useful for the team? Hashtag Aakashwani, और ये खूबसूरत सा ये मिशन बे पे हम ऑकलैंड वो पहली जगह थी जहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो यहीं पर पहली बार अटैक हुआ था. और ये इस बीच पे अटैक नहीं हुआ था, अटैक सिटी पे हुआ था. बीच पे तो मैं आपसे थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ, और एवरग्रीन महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं कि क्या उनकी जो उनका जो खेल है उसमें कुछ बदलाव आया है. बॉस आया तो है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये वो भी जानते हैं, बिकॉज जो हम 25 की उम्र में कर सकते हैं वो 35 की उम्र में नहीं कर सकते. 25 में मैं खेलता था, अब सिर्फ बातें करता हूँ 41 में. ही स्टिल प्लेइंग, ही स्टिल फिट, बट देन शुरू में बहुत छक्के लगाते थे, बहुत अच्छे तरीके से लगाते थे, उतनी अच्छी तरीके से अभी वो नहीं लगाते हैं. ही नीड्स टाइम, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. तो जो धोनी जो पहले के थे 2004 से 2011 12 13 14 तक, ही वॉज द मैन जो अकेले एज अ बैट्समैन वॉज अ पैकेज दैट वॉज अनपैरल. मतलब उनके मुकाबले का बल्लेबाजी कोई नहीं था, इनफैक्ट उनसे बढ़िया फिनिशर वर्ल्ड ने देखा ही नहीं है. लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि उनको समय लगता है. शुरू में आके वो सिंगल्स लेते हैं, बहुत गेंदे डॉट्स भी खेलते हैं, साझेदारियाँ जब बनती हैं तो वो हमेशा सेकंड लीड का रोल प्ले करते हैं, वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, वो लीड पार्टनर नहीं होते. चाहे वो आप कोहली के साथ देख लें, रोहित के साथ देख लीजिए, आप केदार के साथ देख लीजिए, आप बीके के साथ देख लीजिए, ही इज़ ऑलवेज दैट सपोर्ट कास्ट. बट दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब वो खिलाड़ी हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता जो गोल करता है, वो खिलाड़ी भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जो गोल बनाता है, जो पासेस देता है. सो धोनी पहले गोल करते थे, अब धोनी गोल्स के जो पासेस वो बनाते हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन तो है. मेरे विचार में उनको फ्लोटर की तरह करना चाहिए इस्तेमाल. अगर तो अर्ली कोलैप्स हो तो फिर आप उनको भेज दीजिए, जैसा हमने पहले वनडे में देखा, जैसा हमने तीसरे वनडे में देखा. लेकिन अगर लंबी साझेदारी हो जाए, 220 पे दो है, तो फिर बाकियों को भेज दीजिए, उनको थोड़ा रोक के रखिए. दैट्स व्हाट आई फील. व्हाट एल्स इज ही ब्रिंगिंग टू द टेबल? एक तो कमाल के कीपर है, उनसे बढ़िया कीपर वाइट बॉल में, वाइट बॉल क्रिकेट में कोई है ही नहीं. अभी भी जो टैक्टिकली इज वेरी वेरी शार्प, माइंड डजंट गेट ओल्ड बॉस, उनका एकदम सॉलिड ब्रेन है. और तीसरी बात ये कि टैक्टिकली वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं, बोलर्स को बहुत हेल्प करते हैं. तो मेरे विचार में अभी उनकी जगह तो है, विश्व कप वो खेल रहे हैं, इट्स जस्ट दैट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, पुश हिम अप द ऑर्डर जब भी आप ऐसा कर सकते हैं. धोनी इज हियर टू स्टे एंड सो आर वी. 500,000 से हम ज़्यादा दूर नहीं, उम्मीद करते हैं. वैसे न्यूजीलैंड का जो दौरा है ना, इसमें आकाश यात्रा के साथ साथ आकाशवाणी लेट्स टच 500K on this tour itself.